मोदी को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को वैसे नहीं रोका जा सकता है। मोदी के खिलाफ लड़ने वाला ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजूद से वो घबराया नहीं करते, और वो दिन हम दिखाएंगे कि हम पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। बस उसका इंतजार है कि हाईकमांड से क्या फैसला आता है। दिल्ली के अंदर शेयर है, पंजाब के अंदर शेयर है, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी शेयर होना चाहिए, कश्मीर से भी और जम्मू से भी। वो हमारी बिल्कुल रेडी है, तैयार बैठी है कि जब भी चुनावों का बिगुल जो है वो बजता है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच जाने के लिए वो है तैयार बैठा हुआ है। तो निकली हुई पार्टी और इलेक्शन में भागीदारी लेने के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना और उसके बाद काम जो है देश के अंदर बेहतरीन करना, स्कूल बनाना, कॉलेजेस या हॉस्टल्स या करप्शन को रोकना, अब जिस तरीके का माहौल उनको रोकने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है उसका ये मतलब नहीं है कि देश के अंदर या देश के अलग अलग राज्यों के अंदर आम आदमी पार्टी की सोच नहीं है। लाखों करोड़ों लोग जो हैं देश के अंदर चाहने वाले हैं और इस सोच को मानने वाले हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन 2024 के चुनाव अगर देखेंगे आप तो बहुत सारी सीटों पर जो है दावेदारी हो रही है, गठबंधन हो रहा है मोदी की सोच को रोकने के लिए, जिस किस्म का माहौल बना रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इंडिया का गठबंधन बना है और गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है पूरे देश के अंदर। और उन चीजों को रोकने के लिए, मोदी को रोकने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को वैसे नहीं रोका जा सकता है। मोदी के खिलाफ लड़ने वाला ईमानदार का होना बहुत जरूरी है। अगर भाजपा सरकार के खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है, उन्हें रोकना है, तो ईमानदार चेहरों को इलेक्शन में सामने लाना होगा। 12 साल से लगातार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही है और जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का विजन लोगों के हित में क्या है। बेसब्री से इंतजार हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू कब जम्मू कश्मीर में दिखेगा और लोग उस पे बटन दबा दब दबाने का काम करेंगे। बस उसका इंतजार है कि हाईकमांड से क्या फैसला आता है। दिल्ली के अंदर शेयर है, पंजाब के अंदर शेयर है, और वहीं जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का भी शेयर होना चाहिए, कश्मीर से भी और जम्मू से भी। और इस बात की उम्मीद करेंगे, ईमानदार चेहरे हमारे पास हैं, सबसे बेहतर जो है आप देखेंगे कि जो लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे देश के अंदर, और मोदी सरकार की इस तानाशाही को रोकने का काम और उनके खिलाफ बोलने का काम, जम्मू कश्मीर के गरीब की आवाज को बुलंद करने का काम आम आदमी पार्टी से बेहतर कोई नहीं कर सकता है। और इसमें इंडिया अलायंस में भी दावेदारी होनी चाहिए। अगर इंडिया अलायंस नहीं रहता है, हाईकमांड का फैसला क्या आता है, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर की पांच सीट्स पे आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और जिसमें बहुत सारे लोग जो है अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारे जो चेहरे हैं उनका नाम आ भी चुका है और वो हमारे पास सेव भी हैं, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस का हम हिस्सा ही नहीं, मैंने पहले भी आपको कहा कि इंडिया अलायंस बनाई ही केजरीवाल की काउशों से बनी है, तो जैसे ही वहां से कोई फैसला आएगा वो नहीं तो हमारे पांचों के पांचों नाम आप बहुत जल्दी सुनेंगे और वो इस वक्त बड़े ही दमखम से हर जगह काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे एक बदलाव आएगा। हम चाहते हैं कि हम झाड़ू से पुरानी तमाम गंदगी साफ करना चाहते हैं, उसके लिए हम जम्मू कश्मीर में निकले। मैंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा है, मेराज भाई ने डीडीसी इलेक्शन लड़ा, यही लोग कहते थे ये छोटे नौजवान हैं ये कहां। तो अगर हम डीडीसी इलेक्शन जीत सकते हैं तो इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजूद से वो घबराया नहीं करते, और वो दिन हम दिखाएंगे कि हम पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। जो लोकसभा की इलेक्शन है वो पूरे देश में जो है वो आने वाले एक दो महीने के बाद जो है वो होने जा रही है, और आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर का एक एक वॉलंटियर, एक एक कार्यकर्ता और जो लीडरशिप है वो हमारी बिल्कुल रेडी है, तैयार बैठी है कि जब भी चुनावों का बिगुल जो है वो बजता है तो आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच जाने के लिए वो है तैयार बैठा हुआ है। तो जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस जो चल रहा है अलग अलग पार्टियों से, और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी, यहाँ पे जो मेन जो मेजर पार्टी है उनका गठबंधन है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस जो है वो 5 सीटों के ऊपर इलेक्शन के कैंडिडेट अपने जो है वो तैयार जो है वो उन्होंने किए हुए हैं, पीडीपी तैयार बैठी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार बैठी है,
उसी तरीके से आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर में पांचों की पांचों सीटें के ऊपर तैयार बैठी है। लेकिन हम पार्टी हाईकमान का जो है वो जो भी आदेश होगा हम उसको मानेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन वही एक ऐसा जो है वो ताकतवर गठबंधन है जो बीजेपी को डिफीट दे सकता है, और उसमें आम आदमी पार्टी का सबसे अहम रोल है, क्योंकि आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है जिसकी दो राज्यों में सरकारें हैं, दिल्ली में भी और पंजाब में भी, और पूरे देश में आम आदमी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता जो हैं वो इस वक्त जो है वो अरविंद केजरीवाल जी का झंडा उठाए हुए बैठे हैं। तो हम अरविंद केजरीवाल जी की टीम का हम इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन जो लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या रोल रहता है, तो वो हम उस आदेश को मानने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा।